ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत उखाड़ लिया, कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए किसी के लिए नहीं किया। आप मुसलमान है, हमको कबर में जाना, अल्लाह से खौफ खाते हैं। किसी अधीर रंजन चौधरी या मोदी या ममता से मैं खौफ खाने वाला इंसान नहीं हूँ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है और देखिए एक कमरा है, इस कमरे में एक खास चीज हमें दिखी जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उधर शंकर भगवान है, सरस्वती है, साईं बाबा हैं, और इधर घुमाइए तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, और पीछे थोड़ा अगर घुमाते हैं, इधर पीछे लाइए, दिखाई तो पीछे यहाँ पर अगर देखते हैं तो उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, हमें उर्दू पता नहीं है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसन हुसैनी है और मैं प्रदेश कांग्रेस शंका लघु का नायब सदर हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ। ये आप कांग्रेस के नेता हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे, ये बात करते हैं। कांग्रेस का एक अदना सा खिदमतगार, सब सब यही बोलते हैं, बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि हम एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो अलग बात। ये जो दिखा कि यहाँ पर आप मुस्लिम हैं जी, हम मुस्लिम, यहाँ लक्ष्मी गणेश, शंकर, सरस्वती, साईं बाबा सब मिलेंगे आपको इस कमरे में, आपको सब मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे। हमारे यहाँ हर इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने कहा बंदा जो है उसकी कोई मजहब नहीं होती, और बंदा मेरा प्यारा है, तो बंदे की खिदमत का तस्करा है कुरान और हदीस सब जगह, मुसलमान और इस्लाम बाद में, पहले बंदा है अल्लाह का। तो जिसने अल्लाह के बंदगी को माना, उसकी खिदमत की, वो सही इंसान होगा। अच्छा, अब आपसे हम एक सियासी बयान लेना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे। साक्षी महाराज हैं, बीजेपी से सांसद हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। ओवैसी साहब कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल आए थे, कोलकाता हुगली तरफ गए थे, उसके बाद ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश गए जी। और वहाँ जाने के बाद साक्षी महाराज का बयान आया है, भाजपा के सांसद का, कि ओवैसी साहब को भगवान ताकत दे, हिम्मत दे, जिस तरह से वो बिहार में भाजपा की मदद किए हैं, उसी तरह पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में वो हमारी मदद करें, यानी बीजेपी की मदद करें। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ओवैसी हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं, मुस्लिम समाज से हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है, क्योंकि ओवैसी की बात जहाँ आती है वहाँ मुसलमानों की बात आ जाती है। देखिए, ओवैसी साहब के बारे में आप जो कह रहे हैं कि हकीकत में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के रहनुमा तो है नहीं वो, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं कोई भी कहता है कि कहा भी जाता है, तो हम लोग उस चीज़ को मानते नहीं कि पूरे मुसलमान के वो रहनुमा हैं। वो एक जगह के रहनुमा हैं, उसी जगह में वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, निकलते हैं, करते हैं। फिलहाल अब उनको साक्षी महाराज बुला करके दावत दें, इससे पहले हमारे अमित शाह ने भी उनको दावत दी, मोदी साहब ने भी डायरेक्ट उनको किया, लेकिन ये चीज़ समझने की है कि हमारे बंगाल का जो कल्चर माहौल है वो इस्लामी नहीं है, ना हिंदुइज्म है। हमारे बंगाल का कल्चर मिलावटी कल्चर है। यहाँ बंगला जो होता है ज़ुबान, वो है जो बंगाली बोलता है उसकी पकड़ है, सेकेंडरी हिंदी जो बोलते हैं उसकी पकड़ आती है। उर्दू का मसला ये है कि कानूनन वो लड़ाई है उर्दू का, क्योंकि जब कानून में एक चीज़ लिखी भी है कि उर्दू जिस जगह 10% आबादी वाले इलाके में बोला जाए वहाँ उर्दू को ये लोग सेकंड लैंग्वेज देते हैं। तो इस तरह ममता बनर्जी ने ऐलान भी किया, लोगों की गलत फहमी है कि पूरे मगरबी बंगाल में उर्दू है, ये है वो है, तो मसला MIM का है। तो यहाँ जो लड़ाई है वो CPM कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है। मीम के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, चंद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, मीम में अच्छे लोग हैं, हाँ अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं। बुरा मैं किसी को नहीं कहता, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे सब होते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं कहना चाहता किसी को, सब लोग हैं, काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, करें। लेकिन सियासी जो अब मामलात होते हैं उसमें वो लोग अभी बहुत पीछे हैं, और वो सिर्फ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, यानी वैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वो आवाम के नज़र में वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, चाहे उनको कोई भी इस्तेमाल कर ले। लेकिन इस वक्त बंगाल के सूरत हाल में अगर उसी हिसाब अगर कुछ करते हैं तो वो मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं करते हैं, उससे मुसलमानों को। ओवैसी साहब के बारे में बोला जाता है कि आप यहाँ चुनाव लड़ते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं, इसमें कह के भाई हम पहले तो बोलते हैं कि अलायंस करिए, ममता बनर्जी से भी उन्होंने कहा कि अलायंस करिए, तेजस्वी से भी कहा, लेकिन जब अलायंस के लिए तैयार नहीं हुए तब वो बोलते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कहीं भी चुनाव लड़ें। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, उनकी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर वो अपने आप को मुसलमान को समझते हैं, मुसलमान देखते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी किसी भी चीज़ से, किसी भी हरकत से मुसलमानों का नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, एक बात। दूसरी बात, जिन्ना बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन आज जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनने के बाद आज हिंदुस्तानी मुसलमान
पे बदनुमा दाग के हिसाब से लोग हम लोगों पे शक्ल की निगाह से देखते हैं। इस चीज को तो आप मानते ही होंगे, तो वो नुकसान हुआ। तो जिन्ना साहब को सोचना चाहिए था कि हमारे इस हरकत से एक मुल्क तो बन गया है, लेकिन अवाम में मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान, कितना गलत कत्लेआम हुआ, सब कुछ मारे गए इधर भी उधर भी, तो ये किस इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराइएगा? नेचुरली जिन्ना साहब ही को ठहराइएगा। तो इसी तरह असुद्दीन ओवैसी साहब को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों की जहाँ हालात बेहतर हैं, ठीक है, चल रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि बंगाल के मुसलमान बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छे हैं, और ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत उखाड़ लिया, कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए किसी के लिए नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब जब यहाँ लेफ्ट की सरकार, सुनिएगा, केंद्र में आपकी सरकार थी कांग्रेस की, आप दोनों अभी साथ हैं। सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की स्थिति सामाजिक आर्थिक जो है वो दलितों से बदतर है। तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने भी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया, लेफ्ट वालों ने भी कुछ नहीं किया, यानी लेफ्ट में भी लेकिन और कांग्रेस की सरकार में भी सच्चर कमेटी का करवाने का काम तो कांग्रेस ही ने किया। हाँ, लेकिन सिफारिशें लागू क्यों नहीं की गई? सिफारिशें लागू नहीं, पर इंसान में बहुत से कमी और बेशी, बहुत से हर हाल में, हर जगह, हर वक्त, हर चीज नहीं किया जा सकता, कुछ अपनी ज़ाती परेशानियां भी हो सकती है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ में इस वक्त साथ में है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे उस दौर, तो सबसे बड़ा दुश्मनी कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे के था। लेकिन इस वक्त चूंकि हालात माहौल ऐसे हैं, सेकुलरिज्म खतरे में है, वो बंगाल कहिए पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ या छोटे खतरे में, ममता बनर्जी सेकुलर नहीं है क्या? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, कम्युनल है, कम्युनल भी नहीं बोलेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म सिर्फ एक दिखावा है, दिल से नहीं है। विकास कितना हुआ 10 साल में? हमें तो नजर नहीं आता सिवाय नीला रंग और सादा रंग के। लंदन बना कलकत्ता, वो तो आप खुद देख सकते हैं कि माहौल देख लीजिए, कोविड चल रहा और लंदन बना हुआ ही है। मोदी जी जब आए थे सरकार में बोले थे क्योटो बना देंगे बनारस को, ममता बनर्जी सरकार में आई तो बोली लंदन बना देंगे कोलकाता को। ये सब मोदी जी का भी बोल वचन है, उसी तरह आप ममता दीदी को भी आप ले लीजिए कि वो ये बोल वचन ही है, लंदन बना देंगे कोई। अब हम तो कहते हैं कि अगर ममता दीदी इसको मगरबी बंगाली बना देती, माहौल को अच्छा कर देती, जिस तरह से उनके अनासिर टीएमसी के जो आजकल कार्यकर्ता ये सब जो माहौल बनाए हुए हैं उसी से अपने आप को बचा लेती, तो वो बहुत बड़ा काम होता बनिस्बत के लंदन बनाने के। हमको तो ऐसा लगता है कि मोदी साहब हो या ममता जी हो, अपने शहर को ऐसा बना देती कि लंदन वाले और जापान वाले कहते हैं ना कि हम अपने शहर को वैसा बना देंगे जैसा इंडिया में है, कि लंदन जापान हमको नहीं चाहिए, हमको दो वक्त की रोजी चाहिए, इत्मीनान चाहिए, आसानी चाहिए, मुसलमान को उतना ही मिल जाए अभी वही काफ़ी है जो नहीं मिल रहा है, सिवाय कागजी और किताबी कामों में मुसलमान उरूज पे चलते चले जा रहे हैं, हर काम पूरा कर दिया। अरे भैया इमाम मस्जिद को जो वजीफा दिया गया वो भी तो वक्फ का, वो भी वक्फ का इमलाक हमारा, कौन सा सरकारी दिया, पंडित को दिया अपनी तरफ से दिया, सरकार की तरफ से दिया, पूजा पंडाल बना अपनी तरफ से दिया, लेकिन हमको जो पैसा मिला मुसलमानों के उलमा कराम को, मुफ्तियान को और इमाम साहब वगैरह को, ये हमारी वक्फ की हुई जायदाद से जो रुपया आते थे वो हमको दिया गया। तो इसको आप क्या कहिएगा, सेकुलरिज्म की बात कहिएगा कि आपने सरकार के रुपए को, हमारे आवाम के टैक्स के पैसे को लेकर के आपने तो दिया पंडित को, पूजा पंडाल को, इनको इनको, चलो बहुत खुशी की बात है, उससे एतराज़ नहीं है, आपकी चीज़ आप सब कुछ कर सकती है, लेकिन इमाम को मौजिन को भी उसी तरह देती, हमारी चीज़ जो हमारे लिए सरप्लस होने वाली चीज़ है, जिससे हमारे कौम और मिल्लत की भलाई होने वाली चीज़, वो आपने इमाम लोगों को दे दिया और हमारी कौम और मिल्लत जहाँ थी वहीं पड़ी हुई है। कांग्रेस करे ना करे बोलता तो है, ये तो बोलती भी नहीं है। कांग्रेस करे ना करे, आप कांग्रेस के हैं जी? मैं कांग्रेस का हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस करे ना करे बोलता तो है, बोलने से तो मांगता है, अपने किए पे जो ना करता उस पर तो पछतावा जाहिर करता है। बोलने वाले ये तो ये कहती हैं कि भैया मेरे सब कुछ कर दिया। हाँ। नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं कर दिया कि हिंदुस्तान को मैंने अमरीका जापान बना लिया। कांग्रेस के किसी लीडर ने, हमारे राहुल गांधी जी ने या हमारी सोनिया गांधी जी ने या मगरबी बंगाल के अधीर रंजन चौधरी साहब हमारे जो सरप्रस्त हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका जापान बना। एक सवाल और है, यहाँ देखते हैं कि लीडर चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, उसमें मुसलमानों के रहनुमा मुसलमान क्यों नहीं हैं? अधीर रंजन चौधरी ब्राह्मण, ममता बनर्जी ब्राह्मण, लेफ्ट में जो भी हैं भट्टाचार्य, बुद्धदेव और कौन कौन, यहाँ मुसलमान जो लीडरान आते हैं ये सब बहुत बैकवर्ड से आते हैं। एक तो तालीम की कमी इन लोगों में है,
जिसकी वजह से सही रहनुमाई नहीं कर पाते हैं, और जो सही रहनुमा होता तो हमारे खुद भाई उनको दापते हैं। तो ये इल्जाम आप दूसरे पे लगा करके बच नहीं सकते हैं। कमी अपने में भी, कमी सिर्फ अपने में है, अपने में भी नहीं है, सिर्फ कमी अपने में ही है। अगर मैं नहीं, आप ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे कांग्रेस के जो आपके खास करके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझसे थोड़ा होता जो होता मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, घर बैठे करता हूँ या जाके करता हूँ। लेकिन मैं किसी के दबाव या किसी की वजह से मैं ये कांग्रेस की मुझे जरूरत हो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है जिसमें हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हमारे क्या कहते थे कि वो पार्टी करो जिसमें बायलॉज में लिखा हो कि वो सेकुलर हो। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जिसमें लिखा हो सेकुलर है सिवाय कांग्रेस के? कांग्रेस पार्टी के नॉर्म्स में आप उसमें जाइएगा तो पार्टियाँ तो खुल के बोलती है हम सेकुलर नहीं। कौन कुछ पार्टियाँ जिस कहती है तो उसका उसका सिला भी मिलता है, भुगतते हैं मुसलमान दूर। सिला नहीं, सत्ता मिलती है। सत्ता तो अब 80% जहाँ आबादी हो और हमारे मुसलमानों में मुनाफिकत बड़ी हो जो होनी नहीं चाहिए, हमारे इस्लाम में तो होनी नहीं चाहिए, जो बड़ी भी उसकी वजह से उनको फ़ायदा होता। आज जैसे उसी साहब यहाँ आकर के कर रहे हैं उससे उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो सियासी सवाल तो हो गया। सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे इस बात के लिए कि आप हर धर्म को मानते हैं, आप लोगों की जैसे लोग हों तो धर्म के नाम पर झंझट झगड़ा कभी नहीं होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इनकी बातों को लेके, इनकी प्रतिक्रिया को लेके, साक्षी महाराज को लेके हो या बाकी मुस्लिम सियासी सवाल से जुड़े जो इनके उत्तर रहे, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो शेयर करें, और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम जय भारत।